टैंगो चाली एक कोड होता है जो दुनिया में कहीं भी जंग हो, जंग के सिपाही एक दूसरे के नाम नहीं लेते, सिर्फ कोड इस्तेमाल करते हैं। तो ए फॉर अल्फा, बी फॉर ब्रावो, सी फॉर चाली, टी फॉर टैंगो। जो किरदार निभा रही हूँ वो एक स्मॉल टाउन लड़की का किरदार है, उसका नाम है लच्छी। एंड वो जो कॉन्ट्रीब्यूट करती है पिक्चर को इज़ द इनोसेंस, जो मासूमियत है बॉबी में, वो लच्छी का रिलेशनशिप है बॉबी के साथ। सो दैट इज़ वॉट ही इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, ही इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज इनोसेंस। श्यामली बहुत चुलबुली एक लड़की है, एक बंगाली ज़मींदार की लाडली बिगड़ी हुई बेटी। टेररिस्ट का लीडर खेलता हूँ, लीडर ऑफ बैंड ऑफ मिलिटेंट्स, जो उनका उनका होमलैंड प्रोटेक्ट करते हैं। आई फाइट विद देम टू प्रोटेक्ट माय लैंड। हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि ये इन चीज़ों में हमको पढ़ना नहीं चाहिए। हमारे कंट्री इतनी कमाल की कंट्री है कि इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में उनको थोड़ा उनकी अटेंशन डालना चाहते हैं। वॉर फिल्में जो हिंदुस्तान में जो बनती हैं, वो वॉर फिल्में मेरे ख्याल से वो सही नहीं है, क्योंकि वो वॉर को यानी जंग को रोमांटिसाइज करते हैं, जंग को उठाते हैं, जंग में वो चीज़ मिलाते हैं जो जंग में है ही नहीं। जैसे जैसे सिपाही जंग के लिए जाता है तो गाना गाते हैं, आरती चढ़ाते हैं, तिलक उठाते हैं, उस पर गाना होता है, फिर वो टैंक में बैठता है और टैंक के ऊपर बंदूक पकड़ के गाना गाता है, फिर उसको एक चिट्ठी आती है, वो चिट्ठी पढ़ता है, फिर एक गाना गाता है, फिर वो मर जाता है, फिर एक गाना होता है। तो ऐसे पब्लिक को ऐसे समझ आता है कि जंग एक अच्छी चीज़ है, गाना गाते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी गाना गा रहे हैं। इसमें असली जो हकीकत है, सच्चाई है, सब निकल चुका है।